एक सादा सा सूट पहने हुए लड़के वालों के सामने बैठी होती है। तभी लड़के की माँ यशोदा कहती है, आरती हमें तुम्हारी सुमन पसंद है, अब तो बस ननद की विदाई की तैयारी शुरू कर लो। अच्छा अब हम चलते हैं। अपनी ननद की शादी तय होने की खुशी में सुमन की गर्भवती गरीब भाभी भराई आंखों से कहती है, बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी ननद, गरीबी के चलते शादी को लेकर मेरे तो कोई भी अरमान पूरे नहीं हुए, मगर मेरी ननद शादी में महंगा सा लहंगा पहनेगी, फिर चाहे तुम्हारी इस दर्जी भाभी को दिन रात भी लोगों के कपड़े क्यों ना सिलना पड़े। आरती भाभी मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो भगवान ने मुझे आप जैसी भाभी दी है। अब इसी तरह से दिन बीतते हैं। आरती और राजेश सुमन की शादी के लिए खूब मेहनत करते हैं, मगर आरती के पास दर्जी का ज्यादा काम नहीं आता था, वहीं राजेश के रिक्शा का काम भी अच्छा नहीं चलता था। और कितनी देर लगेगी, जल्दी से दो रोटी दे दो बस। ये लीजिए, माफ कीजिएगा सब्जी खत्म हो गई है, अभी के लिए अचार के साथ रोटी खा लीजिए। खाना खाकर राजेश अपनी जेब टटोलता है और 100 रुपए का मुड़ा तोड़ा नोट निकलता है। ये लो मेरे पास इतने ही थे, इसे सब्जी और आटा ले आना, मैं चलता हूँ। पैसे देकर राजेश रूखी सूखी रोटी खाकर रिक्शा लेकर निकल जाता है और दिन भर कड़ी धूप में सड़कों पर रिक्शा चलाता है। भगवान की दया से आज अच्छी कमाई हो गई और पता भी नहीं चला कब सुबह से रात हो गई। राजेश रिक्शा लेकर घर जाने लगता है, तभी सामने से आ रही गाड़ी से उसका रिक्शा टकरा जाता है और राजेश जमीन पर गिर जाता है। उसे जगह जगह बहुत चोट आती है। मेरा हाथ पैर। अचानक से दो अमीर घमंडी लड़के लड़खड़ाते हुए गाड़ी से बाहर आते हैं। उनके मुंह से तेज शराब का भपका उठ रहा है। क्यों बे, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी? साहब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो अपना रिक्शा ठीक से ही चला रहा था। साले एक तो गलती करता है ऊपर से जुबान लड़ाता है, इस नुकसान के पैसे का तेरा बाप भरेगा, चल पैसे निकाल। दोनों हाथापाई करते हुए राजेश के पैसे छीनने लगते हैं। साहब भगवान के लिए मेरे पैसे मत छीनो, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, कुछ दिनों में मेरी बहन की शादी है। तो फिर अपनी बहन की शादी हमसे करा दे, मगर सिर्फ एक दिन के लिए। राजेश गुस्से में उन दोनों का गिरेबान पकड़ लेता है। तुम अमीरजादे खुद को समझते क्या हो, हम गरीबों के घर की इज्जत इज्जत नहीं होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलने की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे साले शरीर में जान तो है नहीं तेरी, बेटा हमारा गिरेबान पकड़ के तूने ठीक नहीं किया, अब तो तू गया। वह दोनों उसे बहुत मारते हैं और राजेश को बीच सड़क पर फेंक देते हैं। तभी कुछ आसपास रहने वाले लोग राजेश को उठाकर उसके घर ले आते हैं, जहां देर रात भी आरती सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। आरती भाभी, ओ आरती भाभी कहाँ हो, जल्दी से बाहर आओ। आवाज सुनकर आरती सिलाई मशीन रोक कर बाहर आती है। चंदर भैया आप? हे भगवान, ये राजेश जी की ऐसी हालत कैसे हुई? अरे भाभी ये तो मुझे बीच रास्ते में बेहोश पड़ा मिला तो मैं उठा लाया। माँ जी सुमन जल्दी आइए। भाभी ये भैया की ऐसी हालत किसने की? पता नहीं सुमन। बहू राजेश को अंदर लेकर चलो। गहरे जख्मों के चलते राजेश पूरी तरह से घर में बैठ जाता है। वहीं शादी का दिन भी पूरी तरह पास आ जाता है। कितनी मुश्किल से तो मेरी बच्ची का घर बसने जा रहा था, मगर ऊपर वाले से ये भी ना देखा गया। मैंने सुमन से वादा किया था कि उसकी शादी महंगे लहंगे में होगी, क्या करूं? गरीबी के चलते आरती अपनी शादी की साड़ी से अपनी ननद के लिए गर्भवती होकर भी घंटों बैठकर सिलाई मशीन पर लहंगा सिलती है। सुमन ये देखो मैंने तुम्हारे लिए लहंगा सिला है, पहनकर दिखाओ, मैं भी तो देखूं इस दर्जी भाभी के हाथों सिले लहंगे में मेरी प्यारी बन्नो रानी कैसी लगती है। जैसे ही सुमन लहंगा पहन कर आती है तभी साड़ी पुरानी होने के कारण लहंगा जगह जगह से फट जाता है। भाभी ये लहंगा तो शादी में पहनने के लायक है ही नहीं। तुम चिंता मत करो सुमन, मैंने कुछ पैसे जोड़े हुए हैं, मैं उससे तुम्हारे लिए लहंगा खरीद कर लाऊंगी। बहू तू सुबह से भूखी है, थोड़ा कुछ खा कर जा, तू माँ बनने वाली है। रास्ते में खा लूंगी माँ जी। आरती रात की बची बासी रोटी सब्जी और थोड़े बहुत पैसे लेकर पैदल ही लहंगा खरीदने एक शोरूम में आती है। सुनिए भाई साहब ये लहंगा दिखाइए। गमंडी दुकानदार आरती के गरीब कपड़ों को घूरता हुआ कहता है, ये लहंगा पूरे 25,000 का है, इसे खरीदना तो जैसे फटी चटकी औकात से बाहर है, चढ़ा गया से पता नहीं आ जाते हैं कहां कहां से।
ये कहते हुए दुकानदार धक्के मारकर गरीब आरती को बाहर निकालने लगता है। अरे भाई साहब, आप मुझे इस तरह से ऐसी हालत में धक्का क्यों मार रहे हैं, मैं जा तो रही हूँ। गरीबी भरे हालातों से मजबूर होकर आरती अपनी ननद के लिए लहंगा सिलने के लिए थान का कपड़ा खरीदने बाजार आती है, मगर वो भी बहुत महंगा होता है। तभी एक पेड़ के नीचे फुटपाथ पर एक बहुत ही बूढ़ी औरत बैठकर दुपट्टे बेच रही होती है। अम्मा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाऊँ, बहुत थक गई हूँ। हाँ बेटी, बैठ जाओ, ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? आरती अपनी परेशानी की वजह बूढ़ी औरत को बताती है। मैं भी तुम्हारी तरह ही गरीब हूँ, यहाँ फुटपाथ पर दुपट्टे बेचती हूँ। आज तो एक भी दुपट्टा नहीं बिका, पता नहीं आज मैं बुढ़िया और मेरी पोती क्या खाएंगे। जो ऊपर वाले की मर्जी, आज नमक पानी पी कर ही सो जाएंगे। ये सुनकर आरती को बुढ़िया पर दया आ जाती है। अम्मा ये लो, ये खाना आप ले लो, इसे आप खा लेना। ठीक है बेटी, मैं ये खाना ले लूंगी, मगर बदले में तुम मुझसे ये एक दुपट्टा ले लो। खाने के बदले बुढ़िया आरती को एक लाल रंग का दुपट्टा दे देती है, जिसे लेकर आरती घर आ जाती है। भाभी आ गई आप, लहंगा खरीद लिया क्या? नहीं सुमन, लहंगे का दाम बहुत ज़्यादा था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं भाभी, इसमें क्या है, लाइए दिखाइए। इसमें दुपट्टा है, ये तुम ले लो। जैसे ही सुमन देखती है तो वह दुपट्टे की जगह बहुत ही सुंदर लहंगा होता है। अरे भाभी, इसमें तो लहंगा है। ये कैसे हुआ, अम्मा ने तो मुझे दुपट्टा ही दिया था। सुमन खुश होकर उस लहंगे को पहनकर बाहर आती है। भाभी बताइए ना, इस लहंगे में मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो सुमन। भाभी लहंगे का इंतजाम तो हो गया, मगर गहने सैंडल, काश कि ये भी मिल जाता तो मैं अपनी शादी वाले दिन एक खूबसूरत दुल्हन लगती। सुमन के ये कहते ही उसके लहंगे में से एक सुनहरी रोशनी के साथ सैंडल, चूड़ी, गहने, मेकअप सब कुछ आ जाता है। दोनों ननद भाभी ये नज़ारा देखती रह जाती है। ये क्या जादू है भाभी, लगता है ये लहंगा कोई आम लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। ए मेरी जादुई लहंगे, मुझे एक और सुंदर सा लहंगा दो। ये कहकर सुमन उस जादुई लहंगे को आजमाती है, तभी उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लहंगा आ जाता है। ये देखकर सुमन की दर्जी भाभी कहती है, सुमन हमें इस जादुई लहंगे को संभाल कर रखना होगा, ताकि जिस तरह से ये तुम्हारी शादी में काम आया है, वैसे ही किसी और गरीब की बेटी के भी काम आ सके। देखते ही देखते आरती की नंद की शादी का दिन आ जाता है। आरती, लहंगे महंगे का इंतजाम तो हो गया, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो, टेंट और हलवाइयों को देना है। आइए मेरे साथ। आरती अपने पति को जादुई लहंगे के पास लाती है। ए जादुई लहंगे, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी मदद करो। उसके इतना बोलते ही जादुई लहंगे से पैसे ही पैसे बरसने लगते हैं, जिसके बाद हलवाई ढेरों खाना बनाते हैं और महंगा टेंट लगाया जाता है। पूरा गांव उस गरीब दर्जी भाभी की ननद की शादी में दावत खाकर खुशी से घर लौटता है। वहीं आरती, राजेश, सुमन का कन्यादान कर देते हैं और जादुई लहंगे की मदद से बड़े ही धूमधाम से सुमन की शादी होती है। आरती बहू, आज तेरी वजह से ही तेरी ननद की शादी इतनी धूमधाम से हो पाई है। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, सुमन सब कुछ इस जादुई लहंगे से हुआ है, इसके लिए मुझे उन बूढ़ी अम्मा को जाकर धन्यवाद देना होगा। अगले दिन आरती बुढ़िया का धन्यवाद करने के लिए मिठाई के साथ उस फुटपाथ वाली जगह पर आती है और एक ठेले वाले से कहती है, जरा सुनिए भाई साहब, यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठकर दुपट्टे बेचती थी, वो आई नहीं क्या? अरे कोई बूढ़ी अम्मा होगी तो आएगी ना बिटिया, पिछले 10 सालों से मैं इसी फुटपाथ पर अंडे की रेडी लगा रहा हूँ, मैंने तो आज तक यहाँ पर किसी भी बूढ़ी अम्मा को दुपट्टे बेचते नहीं देखा। ये सुनकर आरती को ये समझते देर नहीं लगती, वो बूढ़ी अम्मा भगवान का भेजा हुआ मदद का रूप थी, जो उस गरीब दर्जी भाभी का उसकी ननद को दिए महंगा सा लहंगा देने के अधूरे वादे को पूरा करने के लिए आई थी। इसके बाद जादुई लहंगे से आरती कई गरीब लड़कियों की शादी में भी उनकी मदद करती है।